वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को हर सिंगार के बारे में बताया था, कैसे उसका प्लांट ग्रो करना है। और उस वक्त मैंने आप लोगों से बोला था कि इसमें इतनी सारी मेडिसिनल वैल्यू होती है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो आज मैं उसी पे आप लोगों से डिस्कस करूंगी और इसके वो सारे बेनिफिट्स बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये देखिए, ये वही पारिजात का प्लांट है, इसे हरसिंगार, पारिजात, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि जब ये गमले में भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर सकता है, तो क्यों ना इसे हम अपने घरों में लगाएं। क्योंकि फ्लावर तो हैं ही, खूबसूरत होते हैं, खुशबू इतनी अच्छी होती है इसकी कि अगर इसका बड़ा प्लांट कहीं लगा है तो आपको आधे किलोमीटर दूर से ही इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इतना बढ़िया प्लांट है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये रात को खिलता है और सुबह होते होते इसके सारे फ्लावर नीचे गिर जाते हैं। अगर आप लोग इसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है कि इसके जो फ्लावर होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये वाइट कलर के होते हैं और इसके पीछे इस तरह के ऑरेंज कलर का इसका ये निकला हुआ पार्ट होता है। इसका देखें, कुछ इस तरह का ये दिखता है। ये अर्ली मॉर्निंग मैंने इसे लिया था, तो अभी थोड़ा सा इसकी फ्रेशनेस कम हो गई है, लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग जब देखेंगे तो बहुत सुंदर फूल है ये। इससे नेचुरल कलर भी बनाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। और मैं इसका किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ उसका छोटा सा एक क्लिप मैं डाल दूँगी, आप देखेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चाहे जैसे भी हो, आप इसकी टहनियों का, इसकी पत्तियों का, इसके बाग का, स्टेम का और इसके फ्लावर का इस्तेमाल अपने डे टू डे लाइफ में करें। सबसे बड़ी खास बात, जितने भी इस समय जो सीजनल फीवर होते हैं, जिनमें वायरल फीवर होता है, चिकनगुनिया, डेंगू, इन सारे फीवर में ये बहुत बढ़िया काम करता है। और इसके बारे में पढ़ें, मेरी बातों पे यकीन ना हो तो इसके बारे में पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना इसका बेनिफिट होता है। हम शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर सीजन चेंज होने पे वायरल फीवर के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको अभी क्विक एक ग्लिम्स देना चाहती हूँ कि इस वक्त सुबह के 8:30 हो रहे हैं और आप दिल्ली में पॉल्यूशन के हालात देखें, इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं उस तरफ दिखाना चाहती हूँ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि विंटर का, दिसंबर का मौसम है। और फॉग, इतनी ज़्यादा फॉग जैसा दिख रहा है ये। और ये सब चीज़ें हमारे हेल्थ को इतना ज़्यादा, हमारे हेल्थ पे असर डालती हैं। इसी वजह से मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जितनी ही जगह हो, जितना ही एरिया हो, आप उसमें मेडिसिनल प्लांट लगाएं, आप उसमें इस तरह के प्लांट लगाएं जो आपको इन सारी चीज़ों से निजात दिलाने में कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जो इसके फ्लावर हैं, कुछ ना अगर आपको समझ में आए तो इसकी टी बना के पिएं, जिसकी रेसिपी भी मैं इस वीडियो में डालने की कोशिश करूंगी। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ज़रूरत है आपको रेगुलर इसके इस्तेमाल करने की, और इस टी को आप बहुत पसंद करेंगे। मेरे हाथ में ये फ्लावर्स रखे हुए हैं और इनकी भीनी भीनी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आप बहुत रिफ्रेशिंग फील करेंगे। और इसमें एक इथेनॉल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है और इम्यूनिटी स्टिमुलेटर का काम करता है। तो आप इसके फ्लावर को ज़रूर इस्तेमाल करें। और फ्लावर ही क्या, मैं तो आपको इसके लीव, बाग और जितने स्टेम हैं, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क यही है कि इसके जो फ्लावर होते हैं वो कड़वे नहीं होते और जो इसकी पत्तियाँ होती हैं ये बहुत कड़वी होती हैं। तो बच्चों को स्पेशली इसकी जो पत्तियों का पाउडर होता है वो मार्केट में अवेलेबल है, इसके बाग जो होते हैं वो अवेलेबल हैं सूखे हुए, और बहुत सारे तरह तरह के कैप्सूल्स वगैरह में भी मिलते हैं, जिससे आप अपने बच्चों को डायरेक्ट अगर नहीं पिला सकते इसका काढ़ा, तो आप वो सारी चीज़ें भी ढूँढें, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है।
स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अभी देखें ईश्वर ने इसे किस तरह से बनाया है कि विंटर में ही इसके फ्लावर खिलते हैं। अभी जैसे अक्टूबर के लास्ट से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये तकरीबन खिलते ही रहते हैं, तो इस समय इनका जमकर यूटिलाइज़ कीजिए इनके फूलों का। और इनके फूलों को अगर आप सुखा के, जैसे इसे छांव में सुखा के एयर टाइट डब्बे में भर लें, तो आपके मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल में ये काम आएगा। एक तो कलर के पर्पज़ से ही आप इस फ्लावर को किसी भी अपने डिश में, अगर थोड़ा सा फ्रेग्रेंस चाहते हैं, कलर ऐड करना चाहते हैं, तो आप इन नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जब इसके जो पेड़ होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं जो ज़मीन में लगे रहते हैं कि आप हर दिन इससे फ्लावर पा सकते हैं। आप देखें मेरा ये छोटा सा प्लांट तकरीबन हर दिन इस तरह से फ्लावरिंग करता है। ये तो आज कम फ्लावर दिख रहे हैं, नहीं तो ज़मीन पे गिरे रहते हैं ये और बेहद खूबसूरत दिखते हैं। जिन लोगों को बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है, आजकल बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे होते हैं, और स्पेशली जो माएँ होती हैं जिनका न्यूबॉर्न बेबी है उनके भी बाल बहुत गिरते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बड़ा ही यूज़फुल है। इसको क्या करना है कि जैसे आप जो भी ऑयल लगाते हैं उस ऑयल को गर्म करना है, आपको इसके फ्लावर, इसकी पत्तियाँ, स्पेशली फ्लावर ही डालें, फ्लावर डाल करके और उसको कुछ देर तक आपको पकाना है। पकाने के बाद 2-3 मिनट ही करें, ज़्यादा ना करें, और उसके बाद उसको छान के रख लें और अपने बालों में इस्तेमाल करें। आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट, एक बार जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे, कुछ दिन लगातार यूज़ करने के बाद आपको इसका इम्पैक्ट पता चलने लगेगा। तो ये देखें कितनी अच्छी चीज़ है कि सिर्फ एक प्लांट से फ्लावर के साथ साथ इसकी पत्तियाँ देखें। और ये इसका प्लांट भी लगाना बहुत आसान है, जो कि मेरी पिछली वीडियो में होगा, आप लोग सर्च करें और देखें, बहुत ईजी है। पेस्ट का अटैक बहुत कम होता है, क्योंकि आप देखेंगे इसकी पत्तियाँ इतनी रफ़ हैं, देखें किस तरह इसमें आवाज़ आती है, इस तरह ऐसा करने से इसमें आवाज़ आती है, बहुत रफ़ हैं, तो इस पे कीड़े भी बैठने से डरते हैं। तो सोचें कि ये प्लांट हरा भरा तो रहता ही है और इसके मल्टीपर्पज़ यूजेस भी हैं। जिन लोगों का ब्लड शुगर बहुत बढ़ा हुआ है वो तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल करें, बहुत बढ़िया इसका बेनिफिट होता है। और इसके अलावा स्किन केयर, आप अगर इसकी डेली ये पीते हैं, इसकी टी बना के पीते हैं, तो आप देखेंगे कि ये आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, आपको ग्लोइंग नेचुरल स्किन मिलेगी। केमिकल से बिल्कुल बचें, केमिकल का जितना कम इस्तेमाल हो सके करें अपने स्किन पे। इन सारी चीज़ों से अपने आप को डिजीज़ फ्री रखें, अपने आप को नेचुरल ग्लोइंग स्किन, आपके बाल अच्छे, और क्या चाहिए होता है। तो सोचें कि ईश्वर ने हमें क्या कुछ दिया हुआ है, बस हमें इस्तेमाल करने की देर है। एक बार आपकी हैबिट हो जाएगी तो आपको रोज़ अच्छा लगने लगेगा। जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये औषधि की तरह काम करता है, क्योंकि जो भी पेन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया एक हेयर ऑयल के बारे में, कि उस तरह से ऑयल में इसकी लीफ या जो भी इसके स्टेम हैं या फ्लावर को आप पका करके जो उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है, उससे आप अगर अपने जॉइंट पेन हो, चाहे इस तरह की अर्थराइटिस वाली जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी पेन हो रहा है आपको, वहाँ मसाज करें, डेली मसाज करें, आपको बहुत रिलीफ फील होगा। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को आजमा करके ज़रूर देखें। इसके साथ ही ये वॉर्म इन्फेस्टेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बीज बहुत काम के होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे जब फ्लावर का सीज़न ख़त्म होने लगता है, लास्ट में प्लांट मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है, उस समय बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करता है। आप कहीं भी सड़क किनारे या कहीं भी इस प्लांट को देखें तो आप नज़र रखें और उन सीड्स को कलेक्ट करके रख लें डब्बे में, और हर तरह से उसका पाउडर बना करके उसका इस्तेमाल करें। हो सके तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, और कितना लेना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सब कुदरत हमें देती है, बस हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। हर्बल टी बनाने जा रही हूँ, और ये पारिजात के फ्लावर हैं जो जिनका अरोमा बहुत ही बढ़िया होता है। और अगर आपने ये जो अमाउंट है ये अगर आपने ज़्यादा लिया
तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी कड़वाहट आ जाए, क्योंकि नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका अरोमा इतना स्ट्रांग होता है कि फिर आपको पीने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ पे दो छोटे ग्लास में, ये छोटे ग्लास हैं जो दो कप के बराबर हैं, इसमें मैंने पानी लिया है। देखें पानी में एक उबाल आ गया है। अब हम हमारे जो फ्लावर थे जो हमने धुलने के लिए रखे हुए थे उनको इसमें डाल देंगे। दो मिनट के बाद इसका कलर कुछ इस तरह का हो गया है। अब हमें इसे छान लेना है। देखें हमारी हर्बल टी रेडी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितनी भी तारीफ करूं मैं इस टी की, क्योंकि चूंकि मैं इसका इस्तेमाल करती हूं इसलिए मुझे पता है कि ये कैसा असर करती है और कितना रिफ्रेशिंग फील होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों को जिनमें कुछ भी नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं, किसी तरह का कोई आपको पे नहीं करना पड़ रहा, तो इस तरह की चीज़ों को आप अपने लाइफ में ज़रूर अपनाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।